नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक इन्फोटेनर में। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर फिल्म निर्देशक रामानंद सागर की बायोग्राफी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामानंद सागर एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक। रामानंद सागर सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके करियर की शुरुआत राइडर्स ऑफ द रेल रोड नामक फिल्म के साथ हुई थी और ये मूवी 1936 में आई। जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामानंद सागर का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर जिले के असल गुरुग्राम नामक स्थान पर 29 दिसंबर 1927 में एक धनी परिवार में हुआ था। इन्हें अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला क्योंकि उन्हें अपनी नानी ने गोद ले लिया था। पहले उनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन नानी ने उनका नाम बदलकर रामानंद रख दिया। 1947 में देश विभाजन के बाद रामानंद सागर सब कुछ छोड़कर सब परिवार भारत आ गए। उन्होंने विभाजन की जिस क्रूरतम भयावह घटनाओं का दिग्दर्शन किया, उसे कालांतर में और इंसान मर गया नामक संस्मरणों के रूप में लिपिबद्ध किया। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वे जब अपनी मातृभूमि से बिछुड़कर युवावस्था में शरणार्थी बनकर भारत आए तो उनकी जेब में मात्र 5 आने थी, लेकिन साथ में था अपने धर्म और संस्कृति के प्रति असीम अनुराग भक्ति भाव। शायद इसी का परिणाम था कि आगे चलकर उन्होंने रामायण, श्री कृष्ण, जय गंगा मैया और जय महालक्ष्मी जैसे धार्मिक धारावाहिकों का निर्माण किया। दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित इन धारावाहिकों ने देश के कोने कोने में भक्ति भाव का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। पढ़ने में बहुत मेधावी थे रामानंद सागर। 16 साल की अवस्था में उनकी गद्य कविता श्रीनगर स्थित प्रताप कॉलेज की मैगजीन में प्रकाशित होने के लिए चुनी गई। युवा रामानंद ने दहेज लेने का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही उनका जीवन संघर्ष आरंभ हो गया। उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के लिए ट्रक क्लीनर और चपरासी की नौकरी की। वे दिन में काम करते थे और रात को पढ़ाई। मेधावी छात्र होने के कारण उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान से स्वर्ण पदक मिला और फारसी भाषा में निपुणता के लिए उन्हें मुंशी फजल के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद सागर एक पत्रकार बन गए और जल्द ही वह एक अखबार में समाचार संपादक के पद तक पहुंच गए। इसके बाद ही उनका लेखन कार्य चलता रहा। सागर आर्ट कॉरपोरेशन। रामानंद सागर का झुकाव फिल्मों की ओर 1940 के दशक से ही था, लेकिन उन्होंने बाकायदा फिल्म जगत में उस समय एंट्री ली जब उन्होंने राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात के लिए स्क्रीन प्ले और कहानी लिखी। भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के बाद वर्ष 1950 में रामानंद सागर ने एक प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट कॉरपोरेशन शुरू की थी और मेहमान नामक फिल्म में इस कंपनी की शुरुआत। बाद में उन्होंने इंसानियत, कोहिनूर पैगाम, आंखें, ललकार, चरस, आरजू, गीत और बगावत जैसी हिट फिल्में बनाई। वर्ष 1985 में छोटे पर्दे की दुनिया में उतर गए। फिर 80 के दशक में रामायण टीवी सीरियल के साथ रामानंद सागर का नाम घर घर में पहुंच गया। रामायण धारावाहिक। रामानंद सागर ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक रामायण बनाया और जो भारत में सबसे लंबे समय तक चला और बेहद प्रसिद्ध हुआ, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित और रावण और उनकी लंका पर विजय प्राप्ति पर बना था। निर्देशन और निर्माण। रामानंद सागर ने कुछ फिल्मों तथा कई टेलीविजन कार्यक्रमों व धारावाहिकों का निर्देशन और निर्माण किया। इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों में रामायण, कृष्णा, विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानियां, आलिफ लैला और जय गंगा मैया आदि। उन्होंने धारावाहिकों के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया और 50 से अधिक फिल्मों के संवाद भी उन्होंने लिखे। कैरियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने पत्रकारिता भी की। पत्रकार, साहित्यकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक, संवाद लेखक और आदि सभी का उनके व्यक्तित्व में अनूठा संगम था। और तो और, रामायण धारावाहिक की प्रत्येक कड़ी में उनके द्वारा रामचरितमानस की घटनाओं, पात्रों की भक्तिपूर्ण, सहज, सरस और मधुर व्याख्या ने उन्हें एक लोकप्रिय प्रवचनकर्ता के रूप में भी स्थापित किया। लेखन। उन्होंने 22 छोटी कहानियां, 3 वृहत लघु कहानी, 2 क्रमिक कहानियां और 2 नाटक लिखे। उन्होंने ने अपने तखल्लुस चोपड़ा बेदी और कश्मीरी के नाम से लिखा, लेकिन बाद में वह सागर तखल्लुस के साथ हमेशा के लिए रामानंद सागर बन गए। बाद में उन्होंने अनेक फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए
पटकथाएं लिखी। सम्मान और पुरस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं बॉलीवुड के कलाकारों के साथ रामानंद सागर। सन 2001 में रामानंद सागर को उनकी इन्हीं सेवाओं के कारण पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें फिल्म आंखें के निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और पैगाम के लिए लेखक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। देश में शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्माता निर्देशक हो जिसे न केवल अपने फिल्मी करियर में भारी सफलता मिली वरन जिसे करोड़ों दर्शकों समाज को दिशा देने वाले संतों महात्माओं का भी अत्यंत स्नेह और आशीर्वाद मिला। डॉक्टर रामानंद सागर ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। सारा जीवन भारतीय सिनेमा जगत की सेवा करने वाले रामानंद सागर शायद भारतीय फिल्म उद्योग के ऐसे पहले टीवी धारावाहिक निर्माता व निर्देशक थे जिनके निधन की खबर सुनते ही देश के कला प्रेमियों करोड़ों दर्शकों सहित हजारों संत महात्माओं में भी शोक की लहर दौड़ गई। गत 12 दिसंबर 2005 की देर रात मुंबई महाराष्ट्र के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। 87 वर्षीय रामानंद सागर ने 3 महीने बीमार रहने के बाद अंतिम सांस ली। जुहू के विले पार्ले स्थित शवदाह में उनके बड़े पुत्र सुभाष सागर ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस अवसर पर उसके चाहने वाले सैकड़ों लोग कलाकार निर्माता निर्देशक उपस्थित थे। उनकी जनप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में शोकाकुल संतों देश के चोटी और धर्माचार्यों ने उनकी स्मृति में मौन रखा। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन में रामानंद सागर के योगदान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित धारावाहिक रामायण ने देश में अद्भुत सांस्कृतिक जागरण पैदा किया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।